गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फ्रंट फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 14 की। बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिख रखा है और इसमें हमें फ्रंट फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इसमें जो एडिशनल सूचनाएँ दे रखी है वो नीचे की ओर है। तो इस क्वेश्चन से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था, उसी प्रारूप में हम आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं आज। इसमें बैलेंस शीट के 2 साल के आंकड़े दे रखे हैं। इधर आप देख रहे हैं क्रेडिटर बीपी, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएनएल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, शेयर कैपिटल और इधर कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर, बिल्डिंग और गुडविल, इनके आंकड़े दे रखे हैं। 2013 और 14 के दोनों साइड में आप आंकड़े देख रहे हैं। हमें जो चीज़ बनानी है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ में हमें वर्किंग कैपिटल जो शेड्यूल है, ठीक, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो शेड्यूल है वो भी बनाना है और उससे संबंधित और भी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट और जो अन्य वर्किंग नोट्स के रूप में जो अन्य सहायक खाते होते हैं वो भी आपको बनाने होंगे। तो इस तरीके से हम सभी भी आज डिस्कस करते हुए हम चीज़ों को इनको सभी को क्लियर करेंगे और चीज़ें सारी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ बनाना है वो है चेंज इन डब्ल्यू सी शेड्यूल बनाएंगे हम। शेड्यूल ऑफ चेंज इन डब्ल्यू सी, तो इसमें जो चीज हमें बनानी होती है वो सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, इसमें 2 साल के आंकड़े दे रखे हैं वो लिखेंगे, 2013, 2014 और इफेक्ट ऑन डब्ल्यू सी। ये इतनी चीज़ें हमें इसमें निकालनी होती है। इफेक्ट कैसा रहेगा, इफेक्ट इंक्रीज होगा और डिक्रीज, दो प्रकार का इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है हमें। तो इस तरीके से सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है और अब इसे हम तैयार करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम डब्ल्यूसी का जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें 2 चीज़ लेते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ ए नाम देंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के पार्ट्स आप देख रहे हैं कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर, ये 4 है। तो हम इन 4 को ही सबसे पहले लिख लेते हैं, कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर्स, फिर इनका कर देंगे टोटल अमाउंट लिख लेते हैं एक बार इनकी। कैश है वो 25,000 और अगले ईयर में है 18,000, स्टॉक है 157,000 और फिर है 309,000, बीआर है 20,000 और 30,000, और लास्ट में है डेटर 160 और 2,00,000। ये इनका आंकड़ा आ गया है। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ नीचे की ओर करंट लाइबिलिटीज, इसको बी नाम देते हैं हम, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के जो पार्ट्स है क्रेडिटर और बीपी 2 ही है, इन दोनों को ही हम यहाँ ले लेते हैं। क्रेडिटर और बीपी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर 55 और 83, 55,000 और 83,000, बीपी है 20,000 और 16,000, इधर इनके टोटल की लाइन खींच देते हैं, ये आ जाएगा टोटल, टोटल इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, यहाँ नीचे आएगा डब्ल्यू सी इज इक्वल ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएंगे तो डब्ल्यू सी आ जाएगी, नीचे आएगा इंक्रीज और डिक्रीज का,
तो वो हम करेंगे बाद में। तो इतना काम सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए जो हमें ये शेड्यूल बनाने में करना होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं चेंज बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इनको देख लेते हैं किस में इंक्रीज़ हो रहा है किस में डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 25,000 था, 18,000 रह गया, इसका मतलब डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ कितना हुआ है, 7,000 का डिक्रीज़ हुआ है। इसके बाद में याद है कि 157,000 और आगे हो गए 309,000, तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इसमें से इसको घटा देते हैं हम, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और ये हो गया 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और 2 में से घटाएंगे 152,000। तो ये 152,000 आंकड़ा आ गया इसका इंक्रीज का। और यहाँ देख रहे हैं 20 से 30 हो गए, ये भी इंक्रीज हो गया 10,000 से। तो यहाँ हम 10,000 लिख देते हैं, और ये 1,60,000 था, 1,60,000 है, 1,60,000 से 2,00,000 हो गए, ये भी इंक्रीज हो गए, ये हो गए 40,000। तो इस तरीके से ये इनका इंक्रीज का जो डिक्रीज का था आंकड़ा हमने वो सारा लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर करंट लाइबिलिटीज में चलते हैं। इसमें हम जानते हैं कि जो इंक्रीज होता है उसको डिक्रीज में लिखना है, डिक्रीज होता है उसको इंक्रीज में लिखना है। तो यहाँ देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे इसमें डिक्रीज में लिखेंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से 83 में से 55 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 28,000 आ जाएगा ये। तो ये डिक्रीज में लिखना हमें 28,000, 83 में से 55 घटाए तो ये आ गया है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ 20,000 था, 16 ये डिक्रीज हो गया है, तो इसको कहाँ लिखना है, इंक्रीज में लिखना है। ये कितना है, 4,000। डिक्रीज को इंक्रीज और इंक्रीज को डिक्रीज में इनको लिखते हैं हम, तो ये चीज़ें क्लियर होती है। उसके बाद में क्या करना है, इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। तो टोटल देख लेते हैं इनका कितना आता है। तो टोटल ये 2,00,000 है, 30,000 है, 3,00,000 है, 18,000 है। तो 2,00,000 और 3,00,000 5,00,000 हो गए, 5,30 हो गए, 5,30 और 18 और जोड़ लेते हैं तो ये हो गए 5,48 और 10,58 में एकम 57 हो जाएंगे, 5,57,000 ये इनका टोटल हो रहा है। इधर इसका भी टोटल कर लेते हैं, ये 160,20,157, तो 160 और 157 को पहले टोटल कर लेते हैं तो ये हो गए 317,000, 317 और 20 और जोड़ देते हैं तो ये हो गए हैं 37,337 और 25 जोड़ें तो सबसे पहले 37, 10, 47 फिर 10, 57, 57 और 5, 62 तो ये हो गए हैं 362,000। एक बार इनको कैलकुलेटर से फिर से चेक कर लेते हैं कि ये टोटल कैसा है हमारा। तो हमारा टोटल बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। अब इसका टोटल और कर लेते हैं, ये हो जाते हैं 99 और ये हो जाता है 75। अब हम W से निकालते हैं कि 2013 में कितनी थी, 14 में कितनी हो गई है। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर से निकाल लेते हैं पहले, यहाँ 30 में से 30 सीधे, फिर यहाँ 7, 17 में से 9 जाएंगी तो बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 4, ये हो गया 14 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 5, और ये इधर आ जाएगा 4,58,000। और इधर 362 में से 75,000 घटाएंगे तो सबसे पहले 30 लिख देते हैं, उसके बाद में 12 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 7, और यहाँ 5, 15 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 2,87,000 2013 में है और 14 में है जो 4,58,000 है। कितना इंक्रीमेंट हो गए इनमें, कितना इंक्रीज हो गया, तो एक बार इसमें से घटा लेते हैं, 4,58 में से 2,87 घटा देते हैं तो ये आ गया 1,71,000। तो जो चेंज आया वो है 1,71,000 का है।
तो हमारी जो डब्ल्यू सी है वो कितनी बढ़ गई है, 171,000 से बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम इसको इसका बैलेंस कर देते हैं बराबर, यहाँ लिखेंगे इनक्रीज इन डब्ल्यू सी 171,000, इसका बैलेंस बराबर करेंगे टोटल का, इसका टोटल और कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, 28 और 7 ये हो गए 35,000, और इधर भी टोटल कर लेते हैं बराबर, ये 171 इधर आ जाएगा साथ में, और ये हो गए 152, ये 10 62 40, ये 202,000, 2 और 4 हो गए 206,000। इधर इसका बैलेंस करते हैं बराबर 000602, इसका भी बैलेंस हमारा बराबर हो गया है 206,000 का। इधर ये 458, इसका बैलेंस बराबर। तो इस तरीके से हमारा ये डब्ल्यू सी है जो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारी जो डब्ल्यू सी है वो 171,000 से है जो बढ़ गई है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, डब्ल्यू सी में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन डब्ल्यू सी 171, क्योंकि ये आंकड़ा हमें आगे काम में लेना है, क्योंकि हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो ये इसको लिखना होगा। अब हमें जो चीज़ देखनी है वो है एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वर्किंग नोट्स के रूप में, या जैसे कि पी एंड एल अकाउंट का जो एडजस्ट होता है उसको भी साथ में बनाएंगे। तो यहाँ बनाते हैं सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ लिखेंगे सोर्स अमाउंट, यूजेज अमाउंट, तो ये इतनी चीजें इसमें लिखनी होगी हमें। और तो इसके प्रारूप को बनाने के बाद में सबसे पहले इसमें जो हमने चीज निकाल रखी है वो लिखेंगे इंक्रीज इन डब्ल्यू सी। इंक्रीज होता है तो इधर आता है इंक्रीज इन डब्ल्यू सी 171,000। और जो अन्य चीज़ें हमें निकालनी हैं उनमें सबसे पहले एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट, इसका बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है हमें। और टू सी डी, तो पी एंड एल का हमारा जो बैलेंस है ओपनिंग है 72,000, यहाँ लिखेंगे 72,000, और क्लोजिंग है वो है 98,000। बी डी बैलेंस ओपनिंग होता है, सी डी अंतिम बैलेंस होता है। तो इस तरीके से इसकी जो सारी चीज़ें इसकी मुख्य मुख्य है वो हम निकाल रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ें आनी है वो सबसे पहले देख लेते हैं, इस साइड से देख लेते हैं। इन चारों का लेखा डब्ल्यू सी में होगा दोबारा नहीं लिखना है। डेप्रिसिएशन का लिख रखा है हमें 200,000 था, तो इसका जो खाता बनाना पड़ेगा हमें। गुडविल है जो राइट ऑफ हुई है कितने से, ये है इनका डिफरेंस देख लो, ये है 25,000, तो टू गुडविल 25,000। और डेप्रिसिएशन इसका है 15%, तो 200,000 का स्टार्टिंग का होता है, 30,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन 30,000। और टैक्स पेड हमें खाता बनाना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल डिबेंचर जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेना हमें, टू जनरल रिजर्व ये भी राइट ऑफ होता है, 30,000 का अंतर है इसका, 40 से 70 हो गया, तो इसका डिफरेंस 30,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स खाता बनाना पड़ेगा हमें,
यहाँ बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वर्किंग नोट है सारे, तो इनमें बाय बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस लेना है और इधर टू सीडी अंतिम बैलेंस लेना है। तो इसका जो आंकड़ा है ओपनिंग है प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 और सीडी ये है 50,000। ये है टैक्स पेड किया है टू टैक्स पेड, ये आ जाएगा 40,000, टोटल इसका हो गया 90, इधर भी 90 कर देते हैं, बाय पीएनएल ये आएगा 50,000। तो इस तरीके से पीएनएल में जो टैक्स का जो प्रोविज़न था वो आएगा 50,000 का। तो टू प्रोविज़न फॉर टैक्स या 50,000 लिखेंगे यहाँ, ये 50,000 हो जाएगा। और प्रोविज़न आ गया, सारी चीज़ें आ चुकी है, तो इसका ये टोटल इतना ही है, इसका टोटल कर लेते हैं अब, इसका हम टोटल कर लेते हैं और इधर इसका डिफरेंस बचेगा वो आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जोड़ लेते हैं इधर 98, ये इधर है 50, 30, 30 और 25, तो 50 और 30 80, 80 और 30 हो गए 110, 110 25 135, 135 और ये एक बार इसको 1,00,000 मान लेते हैं, 2,35 में से 2 कम कर दिए तो 2,33, 2,33,000 है, इधर भी 2,33 ही हो जाएगा। इसमें इसको घटा लेते हैं पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है, ऊपर लिखते हैं इसको 0,00,000, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 13 में से आ जाएंगे 6 और 1,61,000। तो इस तरीके से इसका जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो बैलेंस है वो 1,61,000 आएगा, ये इधर आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,61,000। बिल्डिंग का हमने यहाँ खाता बना लेना चाहिए क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन दे रखा था, तो अकाउंट बनाते वर्किंग नोट में टू बीडी बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ बीडी ओपनिंग लिख देते हैं बाय सीडी, ओपनिंग इसका 2,00,000 है और क्लोजिंग इसका 1,70,000 है, डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा 30,000 और खाता हो जाएगा ये बंद इस तरीके से बराबर 2,00,000 से। तो इस तरीके से इसको वर्किंग नोट में साइड में दिखाना चाहिए हमें। ये कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट कर देते हैं हम। अब यहाँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया हमने, बिल्डिंग से कुछ बस अलग बैंक कुछ आया नहीं है, परचेज सेल हुआ नहीं है। इधर देख लेते शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप देख रहे हैं इधर 3,00,000 थी, 4,00,000 हो गई, तो क्या मानेंगे इश्यू हो गए हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये 1,00,000 से इश्यू कर लिया है। डिबेंचर 1,50,000 थे 1,00,000 हो गए, यानी पेमेंट हो गया इनका, रिडम्पशन हो गया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 और टैक्स पेड आ जाएगा 40,000। इस तरीके से इसमें जो आने वाली चीज़ थी लगभग इतनी ही थी, इनका टोटल करके देख लेते हैं, ये आ गया 2,61,000 और इधर इसका भी टोटल है जो 2,61,000। तो इस तरीके से हमारे बैलेंस बराबर हो जाता है और ये हमारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए।